हेलो सर, नमस्ते। नमस्ते, क्या नाम है सर अपना? मेरा नाम नीलेश मास्टर है। नीलेश मास्टर है। तो हमने पहले वीडियो में लोगों को दिखाई थी आपका पेट्रोल घोड़ा, डीजल डीजल डीजल, और ये कौन सा है? ये चांद। ये चांद है, ये हमारे दोस्त का घोड़ा है। दोस्त का घोड़ा है। तो ये भी चाल में चलता है? चाल में चलता है। क्या स्पीड वगैरह क्या होगी? ये 35 तक चलता है। 35 है रेवाल में? रेवाल। तो ये किस तरीके का सिंधी है? ये मिक्स सिंधी है, मारवाड़ मिक्स सिंध। मारवाड़ मिक्स सिंधी। इसके यहाँ पे क्या लोग तो चांद बता देंगे? चांद बताया, इसके लिए इसका नाम चांद रखा। अच्छा, चांद रखा है, वो साफ ही दिख रहा है, चांद बना हुआ है, इसी के लिए इसका नाम। ये मिक्स सिंधी है, चांद रखा है नाम। तो ये सेल के हिसाब से लेके आए हैं अभी दिखाने के? खाली घुमाने के। घुमाने के हिसाब से। हमारे दोस्त का घोड़ा ये। दोस्त का घोड़ा पटेल करके। तो हाइट वगैरह कितनी क्या है सर इसकी? इसकी 61 हाइट है। 61 होगी? होगी नहीं, है है। अपने सिंधी में झूठ नहीं चलता क्या? नहीं नहीं नहीं, है? नहीं नहीं चलता। हम झूठ नहीं बोलते। झूठ नहीं बोलते क्या? झूठ बोलने से डर लगता है क्या? झूठ, एक बार झूठ बोले तो 10 बार बोलना पड़ता है। बिल्कुल बिल्कुल। और उम्र क्या हो गई होगी इसकी? इसकी अभी 5.5 साल हो गए। 5.5 साल। बाकी सिंधी को देखो तो ऐसा लगता नहीं है कि भाई ये बहुत स्पीड में भगता होगा। हाँ। पर बैठने के बाद में जो करंट आता है मेरे को लगता है वो एक अलग ही रहता है। और चलने में भी मेरे को लगता है ऊपर में जब आदमी बैठा रहता है तो वो यानी कि हिलता नहीं है, यानी कि वो इस तरीके से चलता है। कार में बैठे ऐसे लगता है। तो अब मिट्टी में तो मेरे को लगता है बहुत सही चलता होगा। सही चलता। तो आपके यहाँ पे जैसे कि घोड़ों को प्रैक्टिस कराने के लिए ट्रैक वगैरह बना के रखते हैं कैसे? घर पे हमारा ट्रैक बना हुआ रहता है। अच्छा, कितने किलोमीटर का लंबा ट्रैक चाहिए कम से कम इनको? इनको कम से कम मतलब 1 किलोमीटर का कम से कम होना। 1 किलोमीटर? 1 किलोमीटर में इधर से जाना ना जाना। तो ये 1 मिनट में कितने किलोमीटर भग जाता होगा लगभग? इसकी नहीं, मैं पूरे सिंधी की बात कर रहा हूँ। देखो, जो सिंधी टॉप का सिंधी होगा वो 40 से बाहर जो निकल गया वो ऐसे समझो कि IPS अधिकारी जैसा हो जाता। अच्छा, हाँ, जो 40 से ऊपर निकल जाएगा। और 40 के अंदर रहे तो फिर वो 35 से बाहर निकलेगा तो MPSC वाले जैसे काम चलते रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये हमारे दोस्त आए हुए घोड़े के मालिक जो है। है नहीं क्या? दोस्त आए नहीं? हाँ आए। ओके ओके। क्या नाम है भाई अपना? परेश पाटिल। परेश पाटिल, क्या उम्र है अपनी? क्या उम्र है? 25 साल। तो आपको कैसे शौक लगा है घोड़ों का? एक बार मेले में घूमने आया था मैं, तब से शौक लगा। सिंधी का ही क्यों लगा? सिंधी का ही क्यों लगा आपको? बचपन से चलने वाले घोड़े पसंद। बचपन से चलने वाले। फिर ऐसे बोलते हैं कि जैसे आपके एरिया में जैसे फादर को घोड़े पसंद होते होंगे वैसे बेटे को पसंद होते होंगे। अगर फादर को स्पीड वाले पसंद है तो बेटे को भी स्पीड वाले ही पसंद आते होंगे, है ना? हमारे घर वालों को घोड़े ही पसंद है। पसंद ही नहीं घोड़े? फिर कैसे मैनेज करते हो? लड़ते वड़ते जैसे मेले वेले में जाते हो तो नहीं है लड़ने का काम? तो घर वालों को क्यों नहीं पसंद है घोड़े? शौक मुझे ही। अच्छा, घर वालों को नहीं है? ख्याल रखते हैं। अब आप नहीं रहते होंगे तो आप सोचते होंगे चलो बेटे ने शौक पाल ही लिया है तो भाई अब करे क्या है। ध्यान रखते। तो आपके पास में कितने हैं अभी? एक ही है सिर्फ? ये 7 घोड़े। 7 घोड़े सब सिंधी है? नहीं, उसमें से 2 सिंध मारवाड़ है, घर पे ओरिजिनल सिंधी है। ओरिजिनल सिंधी है, बाकी के मारवाड़ी। तो सारे घोड़े रनिंग के लिए हिसाब से ही है? नहीं, 2 रनिंग के हिसाब से। 2 रनिंग के हिसाब से। और घर पे एक सिंधी हो। तो सिंधी को भी जैसे चाल वगैरह डलवानी पड़ती है कि ऑटोमेटिक पैदाइश इनके अंदर ये गुण आता ही है? तो भी डलवानी पड़ती है। डलवानी पड़ती है। तो सिखाने का क्या चार्ज वगैरह लेते हैं उस्ताद जी? कम से कम 20-25 हज़ार। 20-25 हज़ार रुपये। तो आपके यानी कच्छ में तो रेसें बहुत होती होंगी, है ना? तो जैसे रेस वगैरह होती है उनमें क्या प्राइस वगैरह रहता है आपके साथ? प्राइस अपने यहाँ पे भरी तो 1 लाख रुपए रहता है, 1 नंबर वाले। 1 नंबर वाले को इधर तो कम रहता है, वहाँ थोड़ा कम रहता है वहाँ। और कितने के घोड़े पार्टिसिपेट करते होंगे एक बार में वहाँ पे? कच्छ में 200-300 घोड़े पार्टिसिपेट। 200-300 घोड़े, बहुत बड़ी बात हो जाती है 200-300 घोड़े। यानी ऐसे बोल सकते कि सिंधी घोड़ों का हाई स्पीड मेला लगता है कच्छ के अंदर। कच्छ के अंदर। वैसे जो ये सिंधी नस्ल है किस किस एरिया में बची हुई है अभी आज के टाइम में देखा जाए? ये गुजरात में कच्छ के एरिया में बची है और जैसलमेर बाड़मेर। जैसलमेर बाड़मेर। चलो, हम जो भी हमारे देखने वाले लोग हैं उनको मैं बोलना चाहूँगा कि जिनको भी राइडिंग का शौक है सिंधी घोड़े खरीदे। सिंधी घोड़े लेने से एक वो नस्ल भी प्रमोट होगी और उनके राइडिंग का शौक भी। हमारे जो घोड़े हैं इनको
सिखाने के लिए हम लोग कच्छ से ही आदमी लाते हैं। कच्छ में एक बाकी दूसरा मारवाड़ी वाला आदमी इनको सिखा भी नहीं सकता है ना। नहीं नहीं, सेट ही नहीं बैठेगा इनके साथ। कच्छ में एक आदमी है बुड्ढा अमीन चाचा करके, वही आदमी सवार होगा, सवार करने आता है। अभी उसकी उम्र है 75 साल। 75 साल 75 साल